हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? चलिए, उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे, और अच्छे रहना भी चाहिए, और अच्छे रहिए, तभी तो हम लोग अपने पठन पाठन को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज क्या पढ़ना है। आज हम उठाते हैं नई लेसन है एनसीईआरटी का 5.5। इसमें कुछ मुख्य बात है जो पहले समझने की कोशिश करेंगे हम। ये क्वेश्चन थोड़ी सी स्टूडेंट के लिए क्या होता है कि सर ये ऐसा है कि डिफ़िकल्ट लगता है, मैं तो डिफ़िकल्ट है नहीं। आपको हम बार बार बताएं कि जो भी आप सबको पढ़ा रहे हैं, अगर वो सब रेगुलर है आ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम किस बात की है? प्रॉब्लम की बात नहीं है, समस्या होगी ही नहीं। आप अगर सही मायने में आप फार्मूला का स्टॉक रखे हुए हैं तो फिर आपके पास कैलकुलस बिल्कुल आसान है। तो चलिए देखते हैं क्या इसका बेसिक कुछ नॉलेज हमें चाहिए। तो कहने का मतलब बेसिक नॉलेज आपको यही चाहिए कि आपको क्वेश्चन बहुत मिला था सॉल्व करने के लिए इस टाइप का क्वेश्चन कि आप इसे डिफ्रेंशिएट करके बताइए, तो आप इसको बिल्कुल आसानी से बिना सोचे हुए आप इसको बना देते हैं, क्योंकि आप फार्मूला इसको जानते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन को यू मानते थे, सेकंड फंक्शन को वी मानते थे। क्यों मानते थे? हम चर्चा होनी चाहिए ना, हम क्यों मानते थे यू वी? कहिए सर आप तो फार्मूला पढ़ा देते हैं, और फिर पूछते हैं कि क्यों पढ़ते हैं? तो जवाब नहीं, कुछ कंसेप्ट चाहिए आपको, कुछ नॉलेज चाहिए, इसीलिए हम आप सबको तंग करते हैं, टेसर करते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ टू फंक्शन है, एक अल्जेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिगो की फंक्शन है, तो अलग अलग फंक्शन है, तो दो टर्म हुआ ना, इसलिए इसके लिए एक फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स यू इंटू वी, आसानी से बैठा देते हैं। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हुआ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तब क्या करेंगे यहाँ? अब बताइए ना, क्या आप इसको ज़बरदस्ती यू मान लो, इसको भी मान करके आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे, या कही है कि ये तो बन गया सर? तो बिल्कुल गलत है ये, आप इस तरह से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इसको। आज हम इसी सब लेवल की फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि अगर एक ही फंक्शन अगर प्रोडक्ट के रूप में दिया हुआ रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे, मतलब कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसका तो डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा, लेकिन उसकी बनाने की क्या शर्त है, क्या रूल है, उस पर नज़र रखेंगे। और हाँ, इस टाइप का भी क्वेश्चन होगा, एक्स टू द पावर एक्स, कहने का मतलब एक फंक्शन हो और फिर उसके पावर पे भी कोई फंक्शन हो, लीजिए तो फंक्शन पे पावर फंक्शन हो, तो इस तरह के क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व करेंगे। और अगर सही मायने में कहा जाए तो एक शब्द है, अगर उसको ध्यान में रख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन का हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनने की कोशिश करें, और नहीं तो आप अपनी नोटबुक निकालें और जो बोलेंगे इसे आप लिखने की कोशिश करें, कि कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपको लगे और उसका डिफरेंशिएट नहीं हो रहा हो तो उसका डिफरेंशिएट हम करेंगे तो लॉ का अप्लाई करके। दो क्वेश्चन आप शायद पढ़े हैं, लेकिन हम इसे भी लिखा देते हैं। लॉग की कुछ फार्मूला है, लॉग एम एन डॉट डॉट, यानी और सारे फंक्शन हो सकते हैं, तो क्या होगे, किसके इक्वल में होगी? लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस डॉट डॉट, एम एन अगर इनटू में पी होता था प्लस लॉग पी, नहीं है तो इसलिए डॉट डॉट देते कि और सारे फंक्शन हो सकते हैं। सेकंड है लॉग एम टू द पावर एन, ये होगा एन लॉग एम, जो लॉग एम टू द पावर एन है तो ये क्या होगी, कोफिशिएंट गुना के फॉर्म में दिया जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है लॉग एम बाई एन, तो क्या होगी यहाँ, लॉग एम माइनस लॉग एन। थोड़ा सा ये फार्मूला को आप याद रख ले, ये सब काम का चीज़ है, क्योंकि आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का डिफ्रेंशिएट करेंगे
तो आपको बताया गया है कि लॉग की सहायता से आप कर सकते हैं। तो जब लॉग की सहायता से कीजिएगा तो दो तीन फार्मूला लॉग का है, तो क्यों नहीं इसको भी रख लें साथ में रखेंगे, उसके बाद ही तो लॉग का काम करेंगे। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत है, ये ध्यान दीजिएगा, इसको आप नोट कर लें। चलिए अब हम लेसन की ओर चलते हैं। ये एक साइज है 5.5 का। देखिए क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लेते हैं कॉस एक लॉग की हेल्प ले ले। तो पहले इसका कुछ पार्टिकुलर नाम हम तो रख दें, इसकी पहचान भी कुछ बन जाए। चलिए पुट कर लेते हैं वाई एक्स इक्वल इसका नाम रख देते हैं कॉस एक्स, कॉस टू एक्स और कॉस थ्री एक्स। तो लॉग की हेल्प लेंगे तो यहाँ ये लाइन लिखना पड़ेगा, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स वी गेट, देखिए क्या हम लोगों की प्राप्त होती है। तो लॉग वाई, यहाँ भी लॉग लगाएंगे, लॉग कॉस एक्स, कॉस टू एक्स, कॉस थ्री एक्स। क्लियर है, आप इसे नोट कर लिए तो हम इसे इरेज कर देते हैं, क्योंकि आप ये समझ गए, आप अपने नोटबुक में रखें। अब यहाँ से क्या करेंगे, लॉग वाई इक्वल लॉग इसके लिए भी और इसके लिए भी अलग अलग कर देते हैं। तो लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस टू एक्स प्लस लॉग कॉस थ्री एक्स। क्लियर है, तो यहाँ पर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। क्वेश्चन की हेडिंग डायरेक्शन इसका देख लीजिए, कह रहा है डिफ्रेंशिएट कीजिए आप एक्स के रेस्पेक्ट में करना। तो चलिए हम निकालते हैं डी अपॉन डी एक्स लॉग वाई, फिर डी वाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स, फिर प्लस डी वाई डी एक्स लॉग कॉस टू एक्स प्लस डी वाई डी एक्स लॉग कॉस थ्री एक्स। क्लियर है, यहाँ बैठाने में तो कोई समस्या ही नहीं होगी। अब इसका फार्मूला लगाते हैं 1/y डी वाई अपॉन डी एक्स। कहिए कि सर ये कैसे, तो भाई साहब हम बनाते बनाते फार्मूला को याद रख लिए हैं, आप भी मेहनत कीजिए ना। चलिए अगर नहीं है तो आपको थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, बता देते हैं कि कैसे लिख दिए। आप ये फार्मूला देखिए, डी वाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल क्या होती है 1/x, और यहाँ पर क्या है क्वेश्चन लिखा हुआ, डी वाई डी एक्स लॉग वाई इक्वल 1/y, लेकिन यहाँ x के रेस्पेक्ट में और यहाँ y है, तो क्या इसके साथ dy वाई बाई डी एक्स लगा हुआ रहेगा। इस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि प्रीवियस लेसन में जस्ट अभी अभी हमने पढ़ करके आगे बढ़े हैं, तो इस चीज़ पर आपको फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपके पास। अब यहाँ भी क्या होगी, तो 1/cos x और ये -sin x। अब क्लियर कर लीजिए, अब इतना का ये कैसे आ गया। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ भी देख लेते हैं क्या है, यहाँ डी बाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स यही है ना। तो कैसे होगा देखें, यहाँ डी लॉग कॉस एक्स अपॉन डी कॉस एक्स, और डी कॉस एक्स को यहाँ ले आए और बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ देखिए एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी तो फार्मूला आप लगाएंगे यहाँ। और इस तरह के मेथड फॉर्म में लाने के लिए क्या बोलते हैं, चेन रूल का हम यूज करते हैं, तो वही चेन रूल हो गया। तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होगा 1/x, एक्स के स्थान पर क्या है कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल -sin x। अब माइनस को यहाँ ले लीजिए, साइन बाई कॉस क्या होगा यहाँ tan x। क्लियर है, देखे कैसे हुआ। तो आप इस तरह से तोड़ तोड़ के आप समझ सकते हैं, अलग हम पढ़ाए हैं आपको, बताए हैं कि पिछले क्लास में पढ़ते हुए आपको आगे बढ़ना है। अगर उसे आप मिस कर गए, छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, तो नहीं, अभी यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप पहले पीछे का ही कंप्लीट करें उसके बाद आगे बढ़ें, तो आपके लिए बिल्कुल आसान होगी, नहीं तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो आप पीछे की पहले वीडियो को देख लें, पढ़ें समझें, उसके बाद आगे आप आएंगे। चलिए प्लस सेम इसी तरह यहाँ आएंगे तो क्या होगा 1/cos 2x, क्योंकि एंगल होगी, फिर कॉस वहाँ जाएगी तो क्या होगा -sin 2x, और 2x क्या क्या हो गया 2। क्लियर है, प्लस फिर यहाँ पर क्या होगी 1/cos 3x, फिर यहाँ -sin 3x इंटू 3।
देखिए यहाँ कैसे होगा, आप इसको तो डी वाई बाई डी एक्स वाई को यहाँ भेज देते हैं, आप इसे तोड़ तोड़ के आप समझिए, दिक्कत होगी हम फिर बताएंगे आपको, आप पीछे के वीडियो देख ले, आपको एकदम आसान लगेगा ये। साइन बाई कॉस क्या होगा, टेन, देखिए टेन एक्स प्लस माइनस माइनस टू को यहाँ ले लें, साइन बाई कॉस टेन, फिर यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ थ्री है, साइन बाई कॉस टेन। अब क्या करें, डी वाई अपॉन डी एक्स वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए आप माने इसको लिख दें, कॉस एक्स कॉस टू एक्स कॉस थ्री एक्स, माइनस को हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, टेन टू एक्स सॉरी टेन एक्स प्लस टू टेन टू एक्स प्लस थ्री टेन थ्री एक्स। देखिए ये क्वेश्चन बन गया, आप आगे भी इसको मन है तो आप यहाँ साइन बाई कॉस करके आप एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर छोड़ दें, बिल्कुल सही है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। तो देखिए कैसे हुआ क्वेश्चन, देखने यहाँ कैसे काम हो गया, ये सब स्टेप को समझने की कोशिश करें अलग अलग, थोड़ी सी वक्त लगेगी, समय लगेगी, लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ये तो कम्प्लीट है, और ये हम गारंटी भी लेते हैं कि आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए ये क्वेश्चन लिख दिए, अब ये देख ले कैसा है, रूट में है और एक ही फंक्शन है, और देखते हैं लेट, पहले इसका कुछ नामकरण कर लेते हैं, उठ कर ले, y इक्वल अंडर रूट एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और यहाँ एक्स माइनस फाइव, जो है क्वेश्चन उसे लिख दिया गया। अब पहले रूट को हटा करके देखते हैं, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू बाई में है एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और यहाँ है एक्स माइनस फाइव, और ये सभी के ऊपर में क्या होगी, वन अपॉन टू। अब यहाँ से क्या करेंगे, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स बी गेट क्या हम प्राप्त होगी, अब ये देखें, लॉग वाई इक्वल लॉग एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और यहाँ एक्स माइनस फाइव, यहाँ वन अपॉन टू, तो लॉग वाई इक्वल वन अपॉन टू को आप मल्टीप्लाई में ले लें, क्योंकि आप पढ़े हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये पढ़े हैं log m टू दी पावर n, क्या है n log m, फॉर्मूला को याद कर ले, बिल्कुल समझ में आएगा आप सबको, तो इसीलिए 1 बाई टू यहाँ ले लिया गया। अब यहाँ क्या होगी, x माइनस वन एक्स माइनस टू और यहाँ x माइनस थ्री एक्स माइनस फोर और यहाँ x माइनस फाइव। अब क्या करेंगे, log y इक्वल वन बाई टू, ये भी तो फॉर्मूला पढ़े हैं, log m बाई एन log m माइनस log n, बोलिए देखिए यहाँ क्वेश्चन देख करके स्पष्ट हो रहा है कि कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे हम, तो अब log अब यहाँ कर दें इस m माइनस log n ये वाला, तो x माइनस वन एक्स माइनस टू माइनस log डिनोमिनेटर के लिए वन बाई थ्री सॉरी एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव, क्लियर है यहाँ। अब क्या करेंगे, एक और फार्मूला पढ़े हैं, लॉग एम इंटू एन इंटू पी डॉट डॉट होगा तो क्या करेंगे, लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी प्लस डॉट डॉट, जितने भी फंक्शन होंगे सॉरी यहाँ फंक्शन होंगे तो क्या करेंगे हम प्लस में कर करके हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग वाई इक्वल वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू माइनस लॉग एक्स माइनस थ्री, अब यह माइनस है आप प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगी, एक स्टॉप हम बैक कर लेते हैं, आप इसे बनाने की कोशिश करें, एक्स माइनस फाइव, देखिए क्वेश्चन अब इस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ से डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्वेश्चन सीधा हो गया, कितना डिफिकल्ट था क्वेश्चन, अब सीधा हुआ, अब हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, तो चलिए यहाँ पर चलते हैं, ये वाला फार्मूला को हम इरेज कर देते हैं,
अब कैसे होगा, अब यहाँ से डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना होगा, डी बाई डी एक्स करेंगे। तो डी बाई डी एक्स इसका करेंगे डायरेक्ट, आपको कर करके हम बताते हैं। तो एक स्टेप यहाँ आ जाइए, सब में लगा दीजिए, डी बाई डी एक्स लॉग वाई, वन बाई टू को रहने दीजिए, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस वन प्लस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस टू माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स एक्स माइनस थ्री माइनस डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस फोर और यहाँ डी बाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस फाइव। अब यहाँ से डी बाई डी एक्स लॉग एक्स वन बाई एक्स, तो यहाँ वाई है तो वन बाई वाई होगी और एक्स के रिस्पेक्ट में है तो क्या होगी यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर है, वन बाई टू को रहने दें। अब यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स लॉग एक्स तो वन बाई एक्स, अगर इसको हम देखिए थोड़ा सा यहाँ हम क्लियर करना चाहेंगे आप सबको, एंगल को इक्वल करेंगे एक्स माइनस वन और फिर यहाँ ले जाएंगे एक्स माइनस वन और यहाँ डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल वन बाई एक्स, एक्स का स्थान क्या है यही है और वन तो क्या हो गया जीरो और एक्स का डिफरेंशिएट वन, तो क्या होगा सेम यही फॉर्म होने वाला है। तो यहाँ लिख दिए वन बाई एक्स माइनस वन, क्लियर है यहाँ। इसके लिए फिर इसके लिए क्या होगी, अगर चेन रूल पर करेंगे तो यही फॉर्म होगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं वन बाई एक्स माइनस टू, यहाँ पर क्या लिख देते हैं माइनस वन बाई इसके लिए एक्स माइनस थ्री, इसके लिए आइए वन बाई एक्स माइनस फोर और यहाँ वन बाई एक्स माइनस फाइव, इतना हुआ। अब डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वन बाई टू, यहाँ पर क्या होगी वाई, अब माने तो इसका एलसीएम लीजिए या नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री यहाँ एक्स माइनस फोर और यहाँ एक्स माइनस फाइव, क्लियर है यहाँ। इसे हम इरेज कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा था। अब यहाँ पर क्या होगी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वन बाई टू और यहाँ वाई है तो वाई क्या है आपके पास ये है, इसको लिख दे एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव और ये आपके पास जो बचा हुआ है टोटल इसको यहाँ लिख दे, ये क्वेश्चन हो गया आपका फाइनल। तो देखने में इतना सब भारी लग रहा है, इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन ये उतना बड़ा है नहीं। अगर आप सही मायने में पढ़ाई कर रहे हैं और वो भी आईएससी में है। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम उठाते हैं यहाँ, यहाँ है लॉग एक्स टू दी पावर कॉस एक्स। देखिए यहाँ तो इसका भी कुछ पहले नामकरण कर लेते हैं, नाम उम रख देते हैं इसका वाई ले लेते हैं, लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स। देखिए एक तो खुद लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये फंक्शन पर पावर क्या हो गया फंक्शन, तो डिफिकल्ट लग रहा है तो इसीलिए लॉग का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखे टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स, इन बोथ साइड्स वी गेट लॉग वाई इक्वल लॉग लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे लॉग वाई इक्वल जो यहाँ पावर में है सो लॉग की गुना में ले ले, मल्टीपल में आ जाएगा ये लॉग इनटू लॉग एक्स। अब दो फंक्शन आ गया, एक ट्रिको का है और ये लॉग का है, तो लॉग के एंगल मेहनत है, अब इसे यू लेंगे और इसे भी लेंगे, सिंपल सा हो गया। तो डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर दिए लॉग वाई, इसे बाहर ले लेते हैं लॉग एक्स सॉरी कॉस एक्स, तो डी बाई डी एक्स लॉग इंटू लॉग एक्स प्लस यहाँ लॉग इंटू लॉग एक्स और यहाँ डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगी वन बाई वाई डी वाई ऑन डी एक्स, क्यों क्योंकि यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में और यहाँ वाई कॉस एक्स। अब इसे चेन रूल पर तोड़ना पड़ेगा क्योंकि एंगल यहाँ देखिए इक्वल नहीं है, तो चलिए कर लेते हैं डी लॉग इंटू लॉग एक्स
अपॉन डी लॉग एक्स यहाँ लेंगे क्रॉस डी लॉग एक्स अपॉन डी एक्स प्लस लॉग इंटू लॉग एक्स और यहाँ डी बाई डी एक्स कॉस एक्स इक्वल क्या होगी माइनस साइन एक्स डायरेक्ट यहाँ कर दिया गया तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वाई यहाँ मल्टीपल में हो जाएगी कॉस एक्स अच्छा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इक्वल वन बाई एक्स तो लॉग एक्स और यहाँ वन बाई एक्स प्लस लॉग सॉरी प्लस और माइनस यहाँ माइनस कर देते हैं माइनस कर दिए लॉग इंटू लॉग एक्स और यहाँ होगी साइन एक्स अब यहाँ वाई की वैल्यू आप डाल दें क्या है यहाँ वाई की वैल्यू लॉग एक्स टू द पावर कॉस एक्स यहाँ लिख दे कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स माइनस साइन को पहले ले ली अब बाद में भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं लॉग एक्स देखिए यहाँ फाइनल हो गया आप माने तो इसका एलसीएम भी यहाँ कर सकते हो नहीं यहीं पर छोड़ दे नहीं तो प्रॉब्लम होगी फिर बाद में दिक्कत होगी आपको तो पहले आप बनाने की कोशिश कीजिए और अच्छे से बनाएं इसका और सारे क्वेश्चन हैं तो इसका हर एक क्वेश्चन को हम आप सबको बताएंगे क्योंकि आप सब भी मेहनत कीजिए और आपके साथ साथ हम भी मेहनत करेंगे आप सबके लिए क्योंकि हमें आप सबसे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे करेंगे जो भी बता रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुने और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें थोड़ी सी भी बोरिंग फील महसूस नहीं होगी कि हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं ऐसा कभी भी सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको जितना कहा जा रहा है उतना करने की कोशिश करें फिर हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो रह गया है ना बारीकी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर करके हम इस लेसन का आप सबके लिए बताएंगे लेकिन हाँ आप लाइक और कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर मेरा ये डिमांड है कि आप इस क्वेश्चन को जो भी बचा हुआ है उस क्वेश्चन को भी हमें बता दें कमेंट में आप दर्शाएं और हम बताने की कोशिश 100% करेंगे और आपकी समझ में भी आएगी ठीक है इतना ही फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्लास में ओके थैंक यू तब तक आप पढ़िए।